इंदौर के राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कोलकाता के एक ब्रोकर के साथ एडवाइजरी संचालक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और डरा धमका कर लाख रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस ने एक आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया है। देखिए, सिलिकॉन सिटी में एक घटना हुई थी जिसमें जो एडवाइजरी कंपनी के संचालक और उसके साथियों द्वारा एक कोलकाता के ब्रोकर से कुछ पैसे उन्होंने धोखाधड़ी करना लिए थे और उसको पैसे वापस करने के नाम पर बुलाकर उसको डरा धमका कर कुछ और रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। इस पर से थाने में केस रजिस्टर्ड था। उस प्रकरण में एक आरोपी को राजेंद्र उर्फ रोमी जाट और चौधरी निवासी कोदरिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसको कि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सर, बाकी और कितने आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी इसमें पहली गिरफ्तारी है और उससे पूछताछ के बाद जो अन्य नाम उसमें सामने आए हैं उन सभी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास। फिर भी सर कितने फरार हैं अभी इसमें? अभी इसमें जो प्राइम ऑफिसी जो विवेचना है उसमें चार आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार हो गया और शेष अन्य तीन की लगातार। सर, ये आरोपी कोई छात्र है क्या? नहीं, ये पढ़ाई भी करता है, साथ में अपना बिजनेस भी। सर, क्यों करा था, कुछ बताया कारण? ये इनका आपसी जो मुख्य आरोपी इसमें सुधीर उपाध्याय है उसके ये सहयोगी हैं और उसके दोस्त हैं और सुधीर उपाध्याय के साथ प्लानिंग करके इनके द्वारा काम किया।